लाल सिंह भटौरिया। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा जो मेरे कैंपा के बारे में विचार है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। इस धन राशि का उपयोग उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रतिपूरक वन रोपण करने के हेतु एवं वनों के संरक्षण तथा विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा, ताकि वन भूमि में बदलाव का असर कम किया जा सके। दरअसल जब भी कोई परियोजना बनती है और इसमें पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन उसके बदले में अतिरिक्त पेड़ लगाने के पड़ते हैं और सरकार को एक निश्चित राशि चुकानी पड़ती है। इस राशि का इस्तेमाल वनीकरण के लिए किया जाता है। इस मद से 2002 से आज तक 42,000 करोड़ जमा हो चुके हैं। हर साल इसमें 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में इस राशि का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। सरकार ने इस राशि का इस्तेमाल हो सके इसलिए कानून बनाने का जो फैसला किया था, इससे मद्देनज़र लोकसभा में कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड बिल इंट्रोड्यूस 8 मई को हुआ, 2015 को। लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी को 21 मई 2015 को रिफर किया गया और फरवरी 26 2016 को स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट भी कर दिया। 3 मई 2016 को ये बिल लोकसभा ने पास भी कर दिया, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी एक विनती है कि वृक्षारोपण पौधे लगाए जाते हैं, उसके बाद वो पेड़ बन जाए तब तक उसकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि हम और हमारी आने वाली अगली पीढ़ी हरा भरा घना जंगल देख सके। जंगल के बढ़ावा के साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो भी देखना पड़ेगा कि जो लोग जंगल में रहते हैं, खास तौर पर आदिवासी भाई और वनवासी भाई, वो भी जंगल को बना रखने के लिए वन्य प्राणी जीवन भी बना रहे और खुद आदिवासी वनवासी भाइयों को भी जंगल से जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मात्र अधिकारियों द्वारा नहीं, लेकिन आदिवासियों भाइयों को भी साथ रखकर जंगल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, इनका सहकार इसमें लेना चाहिए। और जो राज्य, जो डिस्ट्रिक्ट, जो विलेज जो पौधे लगाते हैं, इसमें से महत्तम पौधे पेड़ बने, ऐसी अगर कार्यवाही करते हैं तो इनको अवार्ड भी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सम्माननीय ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरी विनती है कि वनीकरण को डेवलपमेंट के लिए ये 42,000 करोड़ से अधिक धनराशि देश के सभी राज्यों को अपने राज्य में वन विस्तार के अनुसार मिलने वाली है और बहुत अच्छा वन रोपण केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में हो, इसके लिए हम सब मिलके ये काम में सहयोग करें, क्योंकि हर राज्य को मिलने वाला पैसा रुका हुआ है और हम सब राज्य को मिल सके इसके लिए ये बिल को बिना विरोध पास करना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। आभार। थैंक यू वेरी मच।